अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डीजी खान एक अहम वीडियो के साथ। आपका कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट्स में मेंशन कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगी कि आप किस तरह से अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन सकते हैं और फिर आगे आपका क्या स्केड्यूल होगा, आपको किस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन्स के हवाले से। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले साल में दो मरतबा होते हैं। सेमेस्टर बहार का दाखिला जो है वो जनवरी और फरवरी में होता है, और जबकि सेमेस्टर खजां का दाखिला जो है वो जुलाई और अगस्त में होता है। अगर आपने सेमेस्टर बहार यानी कि जनवरी और फरवरी में पहला दाखला लिया है तो दूसरे सेमेस्टर के दाखला की फ़ीस आप जुलाई अगस्त में जमा करवा देंगे, और अगर आपने सेमेस्टर खजान जुलाई अगस्त में पहला दाखला लिया है तो दूसरे सेमेस्टर की फ़ी जो है आप इसी तरह से जनवरी और फरवरी में जमा करवाएंगे। जो कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, वो ऑनलाइन जो मेन वेबसाइट है वहाँ पर इनरोलमेंट फॉर्म पूर करके फ़ीस अपनी बैंक में जमा करवाएंगे। और ऑनलाइन इनरोलमेंट क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने मेन वेबसाइट को विज़िट करना है और CMS पोर्टल पर कंटिन्यू स्टूडेंट्स पर आपने क्लिक करना है। यूज़र आईडी वाले कॉलम में स्टूडेंट आईडी जो कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी आपको मिली होगी वो और उसका पासवर्ड आपने दर्ज करना है। अपने कोर्सेज का इंतखाब करना है और चलान फॉर्म का प्रिंट निकालना, ये बहुत ही आसान एक वे है। और इसके बाद जो जब आप चलान फॉर्म निकाल लेंगे तो फिर आपने फ़ीस जो है वो ABL में यानी कि अलाइड बैंक में, फिर इसी तरह से MCB में, UBL में और FWB में भी आप ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपकी आसानी के लिए ये जो जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यू पैसा है, मोबाइल ऐप्स हैं, इनके थ्रू भी आप अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब आपने एडमिशन ले लिया तो आपका शेड्यूल क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, कब कब आपने क्या करना होगा। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि जब आपने एडमिशन लेना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आप कि जो तरसील कुतुब है यानी कि आपको किताबें कब मिलेंगी, उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आपने सेमेस्टर बहार में दाखला लिया है तो वो मार्च और अप्रैल तक आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और अगर सेमेस्टर खजा में लिया है तो सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने तरसील कुतुब को देखना है तो अप्रैल जून तक आपकी किताबों का जो भी हिसाब हुआ या आपको मिल जाएंगी, कब तक मिलेंगी, इसका प्रोसेस भी मैंने आपको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया हुआ, लेकिन ये ड्यूरेशन बता रही हूँ मैं आपको, किस ड्यूरेशन के अंदर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपकी मुतालिया की मुद्दत। आपने पढ़ना है, अपना टाइम निकालना है, किताबों को टाइम देना है, उसके लिए आपको अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से शेड्यूल जारी किया कर दिया गया है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। फिर आ जाते हैं आपके इम्तिहानात, आपने इम्तिहानात देने, और ड्यूरिंग इसमें आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह मुतालिया की मुद्दत में ही सबमिट करवानी होती हैं। अगर ऑनलाइन आपके असाइनमेंट्स हैं तो ऑनलाइन आप जमा करवाएंगे, और अगर आपने लिख के भेजनी है अपने ट्यूटर्स को तो आप लिख के भेजेंगे। ये ड्यूरेशन है जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो पाँचवा और आखिरी स्टेप है वो है नतज। जब आपने सारा कुछ कर लिया, पढ़ लिया और एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद पढ़ लिया और असाइनमेंट्स का वर्क किया, वर्कशॉप्स कर ली, फिर आपके इम्तिहानात होते हैं और उसके बाद आपके नतीजे आ जाते हैं। जो कि सेमेस्टर बहार के अगर आप स्टूडेंट हैं तो जनवरी तक आ जाएंगे, और जो सेमेस्टर खजान के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एडमिशन्स ख़त्म होने के बाद जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन थी, और ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हर स्टूडेंट का राइट है कि उसको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझा दी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल पर रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।